दरबार साहिबजादों की शहीदी सप्ताह के अवसर पर नानक वेलफेयर सोसाइटी, सिंह युद्ध सोसाइटी एवं सरदार भगत सिंह वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सभी सदस्यों सहित एलईडी वैन द्वारा चार साहिबजादों पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन कई स्थानों पर किया जाएगा, जिसमें श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चार साहिबजादों की वीरता एवं शौर्य गाथा का वर्णन किया गया है। शहीदी का उदाहरण कभी ना मिला ना था ना हो पाएगा। और आज इस अवसर पर एसपी साउथ दीपक भुक्कर साहब जो हैं वो यहाँ गुमटी गुरुद्वारा में पधारे थे और उन्होंने चार साहिबजादे फिल्म का चित्रण करने के लिए जो संगत को दिखाया जाएगा उसका उद्घाटन किया है। हम उनका धन्यवाद करते हैं और पूरा सिख समाज आज श्रद्धा से अपना सिर झुका रहा है चारों साहिबजादों की शहीदी को और गुरु को दिए हुए इस अनूठे इतिहास को, जिसके लिए कि पूरा सिख समाज गौरव महसूस करता है। न केवल शहीदी बल्कि ये गौरव दिवस भी है और शहीदी दिवस भी है। मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह। हम लोग चार साहिबजादों की शहीदी को नमन करते हुए एक वैन का इनॉग्रेशन किया है, जिसका उद्घाटन एसपी भुक्कर साहब ने किया, दीपक भुक्कर साहब ने। सरदार वेलफेयर भगत सिंह वेलफेयर सोसाइटी, सिख यूथ सोसाइटी और नानक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ये कार्यक्रम 3 दिन से चल रहा है। आज भी वैन चलेगी सब जगह, मूवी दिखाई जाएगी, कल भी चलेगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या भाई साहब? इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को पता चले, जिन्होंने शहीदी की है, शहीदी दी है पूरे समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए, तो पता चले लोगों को। आज की डेट में सब भूल गया उसको, तो उसको देखते हुए सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए किस उद्देश्य से सब लोग करते हैं हर जगह। अभी ले लो आप, कोरोना टाइम में कितनी सेवा की गई सब भूलते जा रहे हैं। बस लंगर तक, खाने तक सीमित है, चाय तक सीमित है, गुरुद्वारे आने तक सीमित है, बस पैसा देखते हैं, बाकी कुछ भी नहीं देख रहे। तो उसको जैसे किसान वाला चल रहा है तो उसमें भी देखना चाहिए गवर्नमेंट को कि सब देखते हुए चलना चाहिए। उनको जो उन्होंने ठंडे बुर्ज में 2 रातें बिताई हमारे छोटे साहिबजादों ने, दो ने शहादत जो दी उसके याद करते हुए हम लोग इस चीज़ को बच्चों को भी याद कराना चाहते हैं, अपने यूथ को भी दिखाना चाहते हैं कि उन लोगों की शहादत को हम लोग याद रखें। और हम लोगों ने ये 3 दिन से जो साप्ताहिक मतलब एक प्रोग्राम चलाया था उसमें हम लोगों ने शहीदी सप्ताह के रूप में ये प्रोग्राम हम लोगों ने मनाया है। हमारे सरदार भगत सिंह वेलफेयर सोसाइटी और सिख यूथ सेवा सोसाइटी और खास करके हमारे जिमी भैया नानक वेलफेयर सोसाइटी से, जिन्होंने पूरा हम लोगों के सहयोग दिया है और कंधे से कंधा मिला के हम लोगों के साथ चले हैं और उन्होंने पूरी तरीके से इस प्रोग्राम को सफल करवाया है। और इस प्रोग्राम में पहले दिन हम लोगों ने जो प्रोग्राम किया था वो लंगर वितरण किया था झकरघटी में बस अड्डे के पास जाके, और दूसरा प्रोग्राम हम लोगों ने चाय वितरण का किया था शाम को। कल रात को हम लोगों ने कंबल वितरण का प्रोग्राम किया, साथ ही साथ हम लोगों ने एक बुक लॉन्च की थी जिसका पुस्तक का विमोचन कल किया था हम लोगों ने शाम को। उसमें संक्षिप्त इतिहास के बारे में जानकारी दी गई थी जिसमें कि हम लोग औरों को भी ये बता सकें कि ये हिंदू धर्म के लिए और न्याय के लिए कैसे छोटे छोटे बच्चों ने बलिदान दिए अपने, उस बलिदान को याद कराते हुए उसी के एवज में आज हम लोगों ने ये एसएसपी साहब से रिबन कटवाया। जो गाड़ी है इसमें एक एनिमेटेड फिल्म चल रही है जिसमें चार साहिबजादों के बारे में पूर्ण जानकारी है और छोटी सी फिल्म है, इसको देखने से लोगों को भी ये जानकारी होगी कि छोटे छोटे बच्चों ने कैसे शहादत दी और साहिबजादों ने कैसे अपने आप को निडरता से और मतलब अडिग होके उन लोगों ने शहादत दी है इस चीज़ के लिए। कैनन न्यूज़ के लिए कानपुर नगर से कुलदीप सिंह चंदन की रिपोर्ट।